जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग को अगला जो वीडियो बनाया था उसमें डिटेल बताया था, शॉर्ट नोटिस बताया था जो अग्निपथ सेवा योजना की जो वैकेंसी आई है उसमें साथियों उन युवाओं को मौका मिल रहा है जो 10वीं 12वीं पास हैं और 17.5 से 21 वर्ष के कैंडिडेट उसमें जाकर देश सेवा कर सकते हैं। और साथियों, इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अग्निपथ योजना क्या है। तो साथियों, अग्निपथ योजना हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके तहत और थल सेना, वायु सेना, जल सेना के जो अधिकारी होते हैं उनके तहत एक संगठित करके एक अग्निपथ योजना बनाया गया है, जो कि इसमें उन जवानों को भर्ती की जाए जो जिसका उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच हो। तो साथियों, आप लोग को पता ही होगा 17.5 से 21 साल का जो उम्र होता है वो चाहेगा तो पानी में भी आग लगा सकता है। तो साथियों, उन युवाओं को भर्ती किया जाएगा और देश सेवा करने का मौका मिलेगा ओनली 4 साल के लिए। तो साथियों, आप लोग को बता दें अग्निपथ योजना जो है हमारे रक्षा मंत्री जी ने यह योजना बनाए हैं, अगर सफल हुआ तो साथियों इसमें साथियों बता दें ओनली मेल कैंडिडेट ही जा सकते हैं, यानी युवा जा सकते हैं जिनका एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच हो। अभी महिला को शामिल नहीं किया गया है, जैसे ये योजना सफल होगा उन महिला को भी मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक महिला को मौका नहीं दिया गया है। साथियों बता दें तीनों सेना में भर्ती की जाएगी, हर साल 46,000 वैकेंसी निकलेगी और थल सेना, वायु सेना, जल सेना में काफ़ी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो हर साल 46,000 निकाला जाएगा, उन जवानों को भर्ती किया जाएगा जिनके अंदर जुनून है, साहस है देश सेवा करने के लिए। और साथियों बता दें इसको बोले तो शॉर्ट सर्विस बोला जाएगा, शॉर्ट सर्विस यानी 4 साल के बोला जाएगा। और साथियों, अगला वीडियो में आप लोग को सैलरी के बारे में तो बता दिया गया है कि पहले साल 30,000 मिलेगा और दूसरा साल कितना मिलेगा, ये सब बता दिया गया है, अगला वीडियो हमारा देख लीजिएगा। और साथियों इसमें बता दें आप लोग को पेंशन नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट होने पर आप लोग का पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन साथियों आप लोग का जो फंड कटेगा वो आप लोग को 4 साल बाद मिल जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। और साथियों आप लोग को लोन की भी सुविधा बढ़िया है, लोन भी मिलेगा ताकि आप लोग कोई बिजनेस कर सकें, और 4 साल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा ताकि आप लोग अन्य विभाग में भी जाकर कुछ भी कर सकें। तो साथियों सरकार को भी चिंता है, हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनको भी चिंता है कि रिटायरमेंट होने के बाद युवा क्या करेंगे। और साथियों बता दें रिटायरमेंट होने के बावजूद भी जिसके अंदर जुनून, साहस, क्षमता और साथियों अच्छी देखा जाएगा तो 50-25% युवाओं को परमानेंट भी किया जाएगा। साथियों ये नहीं है कि 4 साल के बाद आप लोग को उत्तर कर दिया जाएगा, हाँ साथियों 25% ही युवा को परमानेंट कर सकते हैं, वो भी उनका रुतबा जलवा देख के। और साथियों बता दें इसमें पेंशन की सुविधा नहीं है और जो आप लोग का फंड कटेगा उसमें टैक्स नहीं कटेगा साथियों, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। और साथियों हर साल 45,000 से लेकर 46,000 युवाओं को अग्निपथ योजना में शामिल किया जाएगा और थल सेना, वायु सेना, जल सेना में जाने का मौका मिलेगा उन युवाओं के लिए जो 10वीं 12वीं पास हैं और देश सेवा करने का रुतबा रखते हैं। साथियों तो साथियों अगला वीडियो कोई भी वैकेंसी आएगा इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो साथियों वंशिका आल जाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। धन्यवाद साथियों।